Main Singh Gujar was the leader of Bajrang Dal from Gwalior in Madhya Pradesh while the Ram Janmabhoomi movement began to take shape. He was present in Ayodhya in 1990 when scores of Karsevaks were killed in police firing. He was also an active participant in the 1992 demolition of the Babri Masjid. He tells a reporter how strategic army training was imparted to the Karsevaks for pulling down the mosque. हमारा एक वर्ग लगा था अहमदाबाद में, रमेश जी ने बताया होगा जी। तो वहाँ पे एक हरेक प्रांत से दो दो लोग बुलाए गए थे प्रशिक्षण के लिए जी। प्रशिक्षण हुआ था वहाँ पे। कितने लोग थे? हमारे 14 प्रांतों से करीब 28 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ। अच्छा, तो किस टाइप का ये था? शिविर था वो, तो एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को। किस चीज की? जैसे आर्मी ट्रेनिंग। मतलब उसका की ट्रेनिंग रहती है कमन ट्रेकिंग, और तोड़ने का उसमें ऐसा कुछ कोई इरादा भी नहीं था कि तोड़ी जाएगी तो तोड़े जाए। लेकिन हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग है कि आपको दीवार पे चढ़ना है, ढांचे पे चढ़ना है, कहीं चढ़ा जाए। अच्छा, हाँ बताओ। ढांचे पे चढ़ने की ट्रेनिंग की, और मतलब वेपन ट्रेनिंग नहीं थी किसी तरीके? Dharmendra Gujar describes to the reporter the nature of training they were given in the training camps. He says it was an army training where they were taught how to scale tall structures. He says वो एक training दी गई थी हम लोगों को, army training. हम लोगों को ऐसी training दी गई थी कि दीवार पर चढ़, ढांचे पर चढ़ जाएं. Dharmendra further rattles out the names of local as well as senior RSS leaders who were present during these training sessions. Joined the RSS volunteers in pushing out the unwanted Karsevaks. कितने लोग? मतलब 28 लोग थे। कुछ ऐसे नाम बताइए जो मतलब जिनका फेस वैल्यू हो कुछ। हरिहर लाल पारिक राजस्थान से, जो राजस्थान के सैनिक रहे हैं जी। लाल जी पारेख पंजाब से, अरुण खन्ना जी थे जी। तमिलनाडु से किनारा जन जी। बिहार से अनु टाइगर जी। अपने रामपुर से, उत्तर प्रदेश से अपने धनंजय प्रताप सिंह जी, और अपने तमिलनाडु से हो गया, महाराष्ट्र से वो थे अपने नहीं, कोई और बड़ा नाम? ये लोग तो ट्रेनिंग वाले थे, बताया वहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग में बौद्धिक देने के लिए आते थे हम लोगों को। कौन कौन? जैसे धर्मेंद्र जी भी आते डॉक्टर तोगड़िया जी उस समय, तोगड़िया जी उस समय प्रदेश के थे। अच्छा, तो शिविर में आए थे? हाँ, शिविर में हमको बौद्धिक हुआ था जी, नयन भाई जी तोगड़िया। अच्छा, कहाँ पर ये ट्रेनिंग कोई? सरखेज है गुजरात में। सरखेज, कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? एक महीने का।
तो बाइस्टर सर यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी की सुनने के लिए तैयार रहता बोले बार बार आने से क्या फायदा, एक ही बार उस हाथ से छोड़ो घर सेवा करो चलो। According to Dharmendra Gujar, a suicide squad of around 1200 people was set up for the operation of demolishing the Babri Masjid. In his words, स्थिति ऐसी हो गई कि हमको 12 पट्टी जो काली काली बांध दी गई थी हमारे साथ है, तो हर एक प्रांत से जो लोग थे जो उस ट्रेनिंग में, उन लोगों की ये भूमिका थी कि आगे आप लोग रहेंगे उसके बाद ये लोग रहेंगे, बलदानी जत्था बनाया था जी। हर एक प्रांत हर एक जिले से 20-20 लोग हमने बलदानी जत्थे लिए थे, ये प्रांत से करीब 500 लोग हो गए थे जी, तो 22 प्रांतों से लगभग 1100-1200 लोग ये मतलब तैयार थे बलिदान देने के लिए, 11000 कार्यकर्ता तैयार हुए थे जो आगे चले थे। अच्छा, तो 12-5 के बाद में एक नारा लगाया था उन्होंने रमेश जी ने जी, जय श्री सवता। The mood on December 6th of the ill-fated year was augmented by a massive Hindu sentiment where car sevaks joined in from all over the country. वास्तविकता जिकिन ये है कि वो जरूर था उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में और दिल से दिमाग से कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तन मन धन से पूरी तरह लोग खड़े होते लोग वास्तविकता की है कि जीएस के नेताओं ने उनके लोगों को एक जरूर पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाजर वास्तव में कोई काम नहीं किया उस समय के जो युवा उनसे जुड़े जैसे कोठारीबंदी मारे गए कोठारीबंदी आज गायब हो गए उनका कोई नौ निशान नहीं है। हमारे यहाँ भोपाल का संजय गुर्जर मारा गया उसका कोई बड़े पुत्तू सिंह बाबा मारे गए उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या कहीं भी उनका ये फूल चढ़ाने के लिए उनका वर्षी नहीं मनाई जाती है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए, राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं, सच्चाई तो ये नहीं। वो मध्य प्रदेश के नेता हूँ चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हूँ, वो लोग कह देते हैं हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था आप लोगों ने थोड़ा ये नहीं सब लोग आह्वान करके बुलाया था, घर घर सलाम सलाम पीएम करके बुलाया था, सारी एक ही कार्यकर्ता घर से गया था पूरे देश से लोग बुलाया, जिम्मेदारी किसकी होती है बुलाने के लिए, जैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है बुलाया। उन्होंने कहा प्रतीक आत्मक पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से वो डालना था बस, ये सब बेवकूफ बुलाया था है। Dharmendra Gujar nonchalantly describes the modus operandi that was detailed out in the closed door meetings of the senior political leaders. 1,000 hammers and spades were secretly ordered during the night from Kanpur. In his words, उन्होंने 500 हैमर 500 फड़ुए 500 खेती रातों रात गुप्त रूप से वहाँ से मंगा लिए थे कानपुर से जो रमेश पिताजी वगैरह ने काफी घूम करी थी और उन लोगों को सामने जो 5-5 11000 लोग जो बलदानी जत्थे बनाए थे उनके साथ उनको भाई कर दिया था भीड़ उनके साथ। These meetings were presided over by likes of Ramji Gupta, Vinay Katyar, Uma Bharti, Jaibhan Singh and Acharya Dharmendra. In addition to hammers and spades, even petrol bombs were added to the inventory. मतलब लोग पेट्रोल बम में जो थे पेट्रोल लगा के अंदर से खुद रहे थे लगा के भागे तो लोग उससे नहीं बहते थे उनको मालूम है कि पेट्रोल बम था उस समय पेट्रोल बना लिए थे तो बोले करके। अच्छा, आप लोगों ने या फिर मतलब वो थी भीड़ थी। अच्छा, लगाया उसमें फट गई दीवार उसमें। पेट्रोल बम किस तरीके से क्या कैसे उपयोग अब ये तो नहीं लोग उस बताते कि उस पेट्रोल उसमें डाल देते बोतल में। अच्छा, बोतल भर के उसको अंदर डाल देते गल जाती थी। कितने कितने ऐसे इस्तेमाल हुए होंगे 10-20-50 तो हुए होंगे। हाँ, सच्चाई है कोई मतलब हाँ, सच्चाई है।
पेट्रोल पंप कितने लोगों ने बनाया होगा, स्पेशलिस्ट है कुछ? नहीं, बिहार की टीम के लोग थे। अच्छा, और जी काम बिहार के लोग कर रहे थे। मतलब ये है कि पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ उसका। अच्छा, और दूसरा ये कि मतलब जो गुप्त बैठकें होती थी उसमें कौन कौन लोग? उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी, कहाँ पर? विनय कटियार जी। जी कहाँ कहाँ पर उस दिन? कहाँ पर? हनुमानगढ़ के मंदिर पे हुई थी। क्या इस मीटिंग में क्या कितने बजे हुआ मीटिंग? रात्रि 9 बजे हुई थी, 9-10 के बीच। मतलब 5 दिसंबर को क्या हुआ उसमें? 5 दिसंबर को रात्रि में इत्या हो गया था, सुबह 10-9 बजे से मीटिंग हुई थी जी। और दोनों मीटिंग में इत्या हुआ था कि ढांचा खुला है, 12:30 को छोड़ दिया जाएगा। ये 12 लोग मेरा नाम लगाए, उन लोग थे जी, साथ में विनय जी भी थे, उमा जी की सहमति थी। Dharmendra Singh Guja says the decision to use petrol bombs was taken in secret meetings and presided over by senior leaders like Vinay Katiyar and Acharya Dharmendra. He says बैठक हुई थी ना उसकी, बिहार की टीम के लोग थे और ये काम बिहार के लोग कर रहे, जो गुप्त बैठकें होती थी हनुमानगढ़ी के मंदिर में ही हुई थी, उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी, विनय कटियार जी थे। Dharmendra Guja woefully adds that the efforts of the car sevaks went in vain because the entire exercise was nothing more than power politics. आप कुछ और नाम जो मतलब लोगों के ना नजरिए में हों और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो, छूट गए हों? नाम तो वैसा भी इतने हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि जिन लोगों का वास्तव बलदान ना उसको भाजपा पूछ रही है ना कोई पूछ रहा है, वो लोग पूजा कर बैठे हुए हैं। कौन जैसे एक दो नाम बताइए? अपना मध्य प्रदेश में मान लीजिए जैसे पुतू बाबा मर गया है, आज तक उसकी कोई बरसी या जन्मदिन मनाया जाते, जब 90 में अगर मान के चले कोठारी बंदियों ने बलिदान किया है जी, और कोठारी बंदियों के जब शुरू शुरू मतलब कोठारी थे, लालो को यार करेगा हिंदुस्तान ना, ये लगते जाए कोठारी बंदियों को नाम लेने वाला नहीं जी, और सत्ता में जो लोग भैया आए वहाँ से लाल सिवा जिन्होंने मन से नहीं करी है, वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह जी में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं, और जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कार सिवा में जो लोग गए हैं लोगों को कुछ नहीं रहा है। और वास्तविकता ये है कि इनका दिखावा कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों चाहे मध्य प्रदेश का कोई नेता हो। एंड दस धर्मेंद्र सम्स अप हिज डिसएंचेंटमेंट विद द अयोध्या मूवमेंट। The leaders who paid only lip service to the movement live a life of luxury, while the true car sevaks have long since been forgotten. In his words, ये लोग भैया हैं वहाँ से, लाल सिवा जिन्होंने मन से नहीं करी है, वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह की में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं, और जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कार सिवा में जो लोग गए हैं लोगों को कुछ नहीं रहा है। और वास्तविकता यह है कि इनका दिखावा कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों Cover Post reporter meets Dharmendra Singh Gujjar again. Gujjar revisits the Ayodhya movement with much disillusionment and tells the reporter that he feels used by the political leaders. This is the then car sevak who is now an angry man. कि वो जरूर था उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में, और दिल से दिमाग से कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तन मन धन से पूरी तरह लोग जुड़े उससे, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश के नेताओं ने उनके लोगों को एक भूल पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाजर वास्तव में कोई काम नहीं किया, उस समय के जो युवा उनसे जुड़े जैसे पिछाड़ी बंदी मारे गए हमारे यहाँ भोपाल का संजय गुर्जर मारा गया, उसका कोई पुत्तू सिंह बाबा मारे गए, उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या कहीं उनका ये पुल चढ़ाने के लिए उनका बरसी नहीं मनाई जाती है, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए, राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं, सच्चाई तो ये नहीं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हूँ चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हूँ,
वो लोग को कह देते हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था, आप लोगों ने थोड़ा ये नहीं, सब लोग आवाज करके बुलाया था, घर घर से राम चला पीएल करके बुलाया था, सारी एक ही कार्यकर्ता घर से गया था, पूरे देश से लोग बुलाया, जिम्मेदारी किसकी होती बुलाने के लिए, जैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है। बुलाया उन्होंने कहा प्रतीक आत्मक पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से, वो डालना था बस, ये सब बेवकूफ बनाया, हमारा देश बेवकूफ बनता आ रहा है, पहले हम जवानी के जुलूस में थे, जुलूस में था, जुलूस तक गुजर गया, लोगों ने उपयोग किया छोड़ दिया, जैसे बात है ना पुड़िया पुड़िया खाई और यूज कर दिया, जैसे लोगों को करते हैं, बीस साल बाद उन लोगों की जरूरत नहीं है, नए 20 साल बाद जितने युवा होगा उनका उपयोग करेंगे, कोई कैसे करता कोई कैसे करते बताया है कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता बढ़ जाते कुर्सी बढ़ जाते कार्यकर्ताओं के साथ इतना बेहद और निकम्मापन का व्यवहार होता है किसी के समय। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।